नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी एमवे इंडिया को बड़ा झटका लगा है। एमवे इंडिया पर मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कैम चलाने का आरोप लगा है। द एमवे स्कैम, एमवे इंडिया का आपने नाम सुना ही होगा, काफी सारे प्रोडक्ट्स में ये लोग डील करते हैं। इसका नाम डायरेक्टली जोड़ दिया गया है एक एमएलएम स्कैम के साथ। दोस्तों, भारत में जब से ईडी ने एमवे का 757 करोड़ रुपया अटैच किया है, यानी कि जब्त किया है, उस टाइम से भारत के अंदर हलचल मच गया है कि भाई ये क्या हो रहा है। और भाई होना भी चाहिए, क्योंकि ये इंडिया की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। और इसीलिए हमारे वीडियोस के अंदर भर भर के ये कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमारी कंपनी के साथ क्या होने वाला है। तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर जानेंगे। हे गाइस, दिस इज अमन सर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं कि भारत सरकार अब किन किन कंपनी को जांच करने वाली है और अब एमवे के साथ क्या होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे इस वीडियो के अंदर आप लास्ट तक बने रहें, और अगर आप चैनल में चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, हमारा इंस्टाग्राम समानसर 43, आप उसे जाएं, उसे फॉलो करें। तो चलिए हमारे इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं गाइज। दोस्तों, अब रही बात कि भारत सरकार किन किन डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को जांच करेगी और जांच कर रही है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, भारत सरकार ईडी द्वारा सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को चेक कर रही है। और दोस्तों, ये बहुत सही भी है, क्योंकि ईडी का मकसद ये नहीं है कि भाई कस्टमर को तकलीफ हो, कस्टमर के साथ धोखाबाजी हो। वो कस्टमर के हित के लिए ही ये कर रही है, ताकि कस्टमर को प्रॉब्लम कभी ना हो। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बिल्कुल एमवे के साथ भी यही हुआ। ईडी ने एमवे को चेक किया और ईडी को लगा कि भाई एमवे कहीं ना कहीं जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो ज़्यादा से भी ज़्यादा ले रही है, यानी कि 2-3 गुना एक्स्ट्रा ले रही है। और इसीलिए ईडी ने एमवे का 757 करोड़ रुपया जब्त कर लिया है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये जो ईडी काम कर रही है वो कस्टमर के हित के लिए ही कर रही है। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ईडी ने बल्कि ये भी कहा है कि एमवे कंपनी फ्रॉड नहीं है, बल्कि एमवे कंपनी के ऊपर ईडी जांच कर रही है। इसीलिए इसे विस्तार से समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि नहीं, एमवे जो है वो घोषित हो गई है कि ये फ्रॉड कंपनी है, लेकिन मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ, एमवे कंपनी फ्रॉड अभी तक नहीं हुई है। जब वो गवर्नमेंट के तरफ से जारी कर दिया जाएगा कि ये परमानेंटली भाई फ्रॉड कर रही थी, ये फ्रॉड है, तभी ना हम लोग मानेंगे। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, इसीलिए समझना बहुत जरूरी है। और आप लोग समझने के लिए हमारे इस वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहिए गाइस। अब हम लोग बात करते हैं गाइस कि भारत के अंदर हड़कंप कैसे मच गया है कि एमवे फ्रॉड है, एमवे बंद हो गई, एमवे स्कैम की है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये चीज क्रिएट हुआ है न्यूज चैनल की वजह से। दोस्तों, अगर आप न्यूज चैनल देखेंगे तो वहां पे आप पूरा कंफ्यूज होके रह जाएंगे। आपको वहां पे क्लियर कोई चीज समझ में नहीं आएगा, लेकिन इतना कुछ समझ में आएगा कि भाई एमवे कंपनी फ्रॉड है, एमवे कंपनी ये है, एमवे कंपनी वो है, लेकिन वहां पे कुछ रियलिटी नहीं बताया जाता है कि एमवे कंपनी के अंदर जांच चल रही है। दोस्तों, मैं आप लोगों को कुछ न्यूज चैनल का क्लिप दिखाना चाहता हूं, आप ये क्लिप देखिए। लेकिन अब बात एक ऐसी कंपनी से जुड़े घोटाले की, जिसके बारे में सुनकर कुछ पलों के लिए आप ठिटक जाएंगे कि कहीं आपको भी तो चूना नहीं लगा दिया गया। क्योंकि भारत में लाखों करोड़ों लोग एक्स्ट्रा इनकम के लिए या तो कभी ना कभी एमवे कंपनी के मेंबर बने हैं, या फिर अपने परिचित एमवे मेंबर्स से उनका कारोबार बढ़ाने के लिए उन्होंने सामान खरीदा है। एमवे इंडिया पर मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम चलाने की आड़ में पिरामिड फ्रॉड करने का आरोप है। प्रवर्तन निदेशालय यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने एमवे एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने फर्म की लगभग 757 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्की है। आपको बता दें कि फर्म मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कैम चलाने का आरोप फर्म पर लगा है। ईडी ने बयान में बताया है कि कुर्क की गई संपत्तियों में तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में एमवे की जमीन, कारखाना संयंत्र और मशीनरी, गाड़ियां, बैंक अकाउंट्स और फिक्स्ड डिपॉजिट शामिल हैं। ईडी की ओर से की गई मनी लॉन्ड्रिंग जांच में खुलासा हुआ है कि एमवे डायरेक्ट सेलिंग मल्टी लेवल मार्केटिंग नेटवर्क की आड़ में पिरामिड फ्रॉड चला रहा है। ये देखा गया है कि बाजार में उपलब्ध ब्रांडेड निर्माताओं के उत्पादों की तुलना में एमवे की ओर से पेश किए जाने वाले ज्यादातर प्रोडक्ट्स की कीमतें काफी ज्यादा है। ये देखा गया है कि कंपनी ने 2002, 2003 से 2021-22 तक अपने बिजनेस
बिजनेस ऑपरेशन में 27,562 करोड़ रुपए की राशि एकत्र की और कंपनी ने वित्त वर्ष 2002-2003 से 2020 और 21 के दौरान भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स और मेंबर्स को 7,588 करोड़ रुपए की कमीशन भी दी है। दोस्तों आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भाई ये एमवे कंपनी फ्रॉड है, एमवे कंपनी ये है, एमवे कंपनी वो है। तो दोस्तों ये सब चीज देख के आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि ये न्यूज चैनल वही चीज बोलेंगे जो इन लोगों को फ्रंट में दिखेगा। ये अंदर घुस के नहीं देखते हैं कि भैया वहां पे हो क्या रहा है और उसका रियलिटी क्या है। इसीलिए इन सब में आपको डॉट नहीं होना है, आपको बिंदास तरीके से काम करते जाना है। दोस्तों सभी नेटवर्कर से मैं अपील करना चाहता हूं कि आप लोग जहां पे भी हैं, जैसे भी हैं, आप लोग वहीं पे काम करते रहिए, इधर उधर नाचने की कोशिश ना करिए। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आप गलत नहीं है, आपकी कंपनी गलत नहीं है, तो आपकी कंपनी को कुछ भी नहीं होने वाला और आपको भी कुछ भी नहीं होने वाला है। दोस्तों भारत सरकार भी हमारा भला चाहती है, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यहां पे लाखों लोगों का जिंदगी बन रहा है, लाखों लोगों का जिंदगी चलता है और लाखों लोग यहां से अपने सपने साकार करते हैं और कर रहे हैं दोस्तों, और बहुत सारे लोग कर भी चुके हैं। तो भारत सरकार भी कुछ ऐसा गलत डिसीजन नहीं लेगी जिससे लोगों को दिक्कत हो, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहता हूं यहां पे पहले ही बेरोजगारी छाया हुआ है। बेरोजगारी के साथ साथ यहां पे और भी कोई काम सक्सेस नहीं हो रहा है, बिजनेसमैन भी लॉस में चले जा रहे हैं कोरोना वायरस के चलते। तो दोस्तों उससे बेटर ये बिजनेस है और इसी में आँच आने लगेगा तो भाई बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होने लगेगा। बहुत सारे लोगों का घर चल रहा है जो कि घर चलना बंद हो जाएगा, बहुत सारे लोगों का सपना पूरा हो रहा है जो कि सपना पूरा बंद हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप लोग घबराइए नहीं, आप लोग डरिए नहीं, आप लोग बिंदास तरीके से काम करते जाइए दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो हमारा यहीं तक था और मेरे इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना ही था कि बहुत सारे लोग कन्फ्यूज थे, बहुत सारे लोग ये डाउट में थे कि भाई मेरी कंपनी के साथ क्या होने वाला है, मेरा कंपनी क्या बंद हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर क्लियर कर ही दिया। फिर से मैं कह देता हूँ कि भाई अगर आपकी कंपनी गलत नहीं है, आप गलत नहीं है, तो आपको कुछ भी नहीं होगा, आप जैसे काम कर रहे हो वैसे ही आप काम करते जाइए। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो आप लोग को बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगा होगा और हेल्पफुल भी रहा होगा। तो गाइस अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों हमारा इंस्टाग्राम समानसरी 43 आप उसे जाएं, उसे फॉलो करें। और गाइस अगर आप चाहते हैं कि आपके टॉपिक में वीडियो बने तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मुझे लगेगा कि मुझे इस टॉपिक में वीडियो बनाना चाहिए तो मैं जरूर बनाऊंगा। सो थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।